गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग की बात करें तो वहाँ हम लोगों ने वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। तो अगर वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं तो वेल्डिंग प्रोसेसेस में कुछ डिफेक्ट्स भी आते हैं, और जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वेल्डिंग डिफेक्ट से। पहली चीज, डिफेक्ट क्या होते हैं, क्या वेल्डिंग डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं इसे, सब मतलब अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं और क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टैंडर्ड हम चाहते हैं वहाँ तक है नहीं, वो स्टैंडर्ड को ये अचीव नहीं कर पा रहा हमारी वेल्डिंग, तो वहाँ पे वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट। वेल्डिंग में डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं वो आप देख सकते हैं। जो डिफेक्ट होते हैं वो वेल्ड की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको देखना चाहें तो पोरस डिफेक्ट होते हैं, पुअर अपीयरेंस होता है, पुअर पेनेट्रेशन होता है, पुअर फ्यूजन होता है, रैपिंग होता है, ब्रिटल वेल्ड होता है, अंडर कट एंड अंडर फिल होता है, स्पैटर होता है, मैग्नेटिक ब्लो होता है, वेल्ड स्ट्रेस होता है, डिस्टॉर्शन आता है, क्रैक्ड वेल्ड्स होते हैं। ये सारे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम एक एक को बारी बारी से पढ़ें और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब हम पहले पहले बात करने वाले हैं पोरस बेल्ट्स की। तो पोरस बेल्ट्स क्यों होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। जब हमारी आर्क छोटी होती है, शॉर्ट आर्क होती है, या फिर हम कभी लो हाइड्रोजन एंड स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में अगर हम कहीं लो हाइड्रोजन मिलता है वहाँ वेल्डिंग के टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं तो उस टाइम पे आ सकता है। और अगर हमारा पडिंग टाइम भी कम है तो भी हो सकता है हमारा पोरस वेल्ड। जब हम इम्पेयर्ड बेस मेटल यूज करते हैं या फिर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो अगर पुअर है, तो इन सारी कंडीशंस में पोरस वेल्ड्स वेल्डिंग में पोरस डिफेक्ट्स हो सकता है। अब हमें इसको करने के लिए करना क्या है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, चेक इम्प्योरिटीज इन बेस मेटल, अलाउ सफिशियंट पडिंग टाइम फॉर गैसेस टू एस्केप, यूज प्रॉपर करंट, रिएव योर वेल्ड टू इलिमिनेट, यूज प्रॉपर इलेक्ट्रोड फॉर जॉब, फोल्ड लॉन्गर। हमें क्या करना है, प्रॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करना है, आर्क जो हम बना रहे हैं उसे थोड़ी बड़ी रखनी है, पडिंग टाइम हमें सफिशियंट देना है, प्रॉपर करंट हमें यूज करनी है, और मतलब जो हमारी बेस मेटल्स है उसकी पेयरिंग भी सही से करनी है, सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट है वो है हमारा पुअर पेनेट्रेशन। पुअर पेनेट्रेशन क्या होता है, पुअर पेनेट्रेशन होता है कि सपोज हमारी जो वेल्डिंग दो दो सीट्स को हम वेल्ड कर रहे हैं उनकी डेप्थ है जितनी हमें वेल्डिंग करनी है 5 mm, और हमारा जो स्लैब वेल्ड पूल पहुंच रहा है या हमारे आग पहुंची है वो 4 mm तक ही पहुंची, तो 1 mm अभी रह गया। तो ये जो 1 mm रह गया इसी को हम बोलेंगे पुअर पेनेट्रेशन। तो ये क्यों होता है, पहली चीज कि अगर हमारी वेल्डिंग की स्पीड काफी तेज है, अगर इलेक्ट्रोड हमारा ज्यादा बड़ा है, या फिर अगर हमारी करंट काफी कम है, या फिर पेनेट्रेशन में कोई दिक्कत, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा पेनेट्रेशन हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा,
हमें सफिशियंट करंट को यूज करना होगा। सपोज अगर हम 10 एम्पियर यूज कर रहे तो हमें 12 एम्पियर यूज करना, मतलब हमें उसी हिसाब से करंट की वैल्यू यूज करनी है जिससे कि हम सफिशियंट पेनेट्रेशन या डिजायर्ड पेनेट्रेशन कर सकें। और हमें जो स्पीड है वेल्डिंग की वो भी थोड़ी स्लो होनी चाहिए, वेल्ड स्लोली। ओके, इलेक्ट्रोड के पेनेट्रेशन को ना कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसी हिसाब से हम कैलकुलेटर की साइज को भी डिसाइड करेंगे। और जो हमारे वेल्डिंग के ग्रुप की साइज है उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड की भी साइज लेनी है। जो हमारा बेल्ट का बॉटम है वहां पे हमें प्रॉपर फ्री स्पेस भी छोड़ना होता है पुअर पेनेट्रेशन को रिमूव करने के लिए या फिर डिनाई करने के लिए किसी बेल्डिंग सरफेस पे। रैपिंग, रैपिंग भी एक टाइप का इफेक्ट है हमारा वेल्डिंग में। इसमें क्या होता है इस रैपिंग इफेक्ट में, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जो हमारे वेल्ड मेटल है वो श्रिंक कर जाते हैं। ये भी हो सकता है कि हमने जो वेल्डिंग के पार्ट्स को हमने क्लैंप कर रखा है उनकी क्लैंपिंग प्रॉपर ना हुई हो, मे बी कि पेनेट्रेशन प्रॉपरली ना हो रहा हो, और अगर ओवर हीटिंग ज्वाइंट पे हो जा रही है तो फिर रैपिंग हो सकती है। अब रैपिंग को इग्नोर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पिन ज्वाइंट एज बिफोर वेल्डिंग वेल्ड रैपिडली, अवॉइड एक्सेसिव स्पेस बिटवीन पार्ट्स। जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं उनके बीच में हमें ज्यादा गैपिंग नहीं देनी है। हमें एक पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें सारे पार्ट्स को जो है प्रॉपरली क्लैंप करना चाहिए ताकि कोई मोशन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो ड्यूरिंग वेल्डिंग में, और कुछ हमें बैकअप कूलिंग का भी बैकअप रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट, हमें हाई स्पीड मॉडरेट पेनेट्रेशन इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अंडरकट या अंडरफिल की। आपको अंडरकट और अंडरफिल समझना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अगर हम बात करें अंडरकट की, तो मैं आपको बता दूं दिस इज आवर गुड बेल्ट। अब इसी का रेफरेंस लेके मैं आपको अंडरकट और अंडरफिल समझाने की कोशिश करूंगा। तो गुड बेल्ट में क्या होता है हम देख सकते हैं। जो बेल्ट पूल होना है होता है वो कुछ यहाँ तक भरा होना चाहिए, फिल होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखें बेल्ट पूल कुछ इस तरह से फिल होना चाहिए एक गुड बेल्ट में, लेकिन जहाँ पे अंडरकट आ रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ये पोर्शन खाली है, यहाँ पे बेल्ट पूल है ही नहीं, ये फाल में जा रहा है।
तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं अंडरकट। अंडरफिल क्या होती है कि भाई आप यहाँ देख सकते हैं, यहां से मटेरियल भरा हुआ तो आ रहा था लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये नीचे चला गया, अंडरकट हो गया। अब अंडरफिल की बात करेंगे। अंडरफिल क्या है? सपोज एक प्रॉपर लेयर है, ये वाली जो डॉटेड पॉइंट है इस लेवल तक कम से कम हमारा वेल्ड पूल होना चाहिए, बट वेल्ड पूल है कहाँ तक, उसके नीचे। ये तो ये जो गैप है कि हमें वेल्ड पूल चाहिए उस प्रॉपर लाइन तक और वेल्ड पूल हमारा उस प्रॉपर लाइन से नीचे तक है, तो वो जो है जितना नीचे है उसको हम बोलेंगे कि ये अंडर फिल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडर कट और अंडर फिल समझ में आया हो। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है, ये हमारा लैक ऑफ पेनेट्रेशन। ये पे यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पेनेट्रेशन हो ही नहीं पाया इस पर्टिकुलर पॉइंट का। ओके, ये ओवरलैप है। तो अंडरकट की कंडीशन में कुछ पोरस पॉइंट से बन जाते हैं, पोरोसिटी, जहाँ पे एयर बबल छूट जाते हैं, और ये अंडर फिल में कुछ क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं, इंक्लूजन्स भी आ सकते हैं। ये सब है हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। अंडर कट या अंडर फिल क्या आता है, जब हम कोई गलत मैनिपुलेटर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं या फिर हम कभी बहुत ही ज्यादा करंट यूज करते हैं, तब तो हमारा क्या अंडर कट आता है। ठीक है, अब अंडर कट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना है, अगर हम बट वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें वहां पे यूनिफॉर्म वेव को यूज करना पड़ेगा। हमें लार्ज इलेक्ट्रोड को यूज करना अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सेसिव वेविंग को अवॉइड करना पड़ेगा, स्लो वेल्डिंग प्रोसीजर को यूज करना पड़ेगा विथ मॉडरेट करंट, होल्ड इलेक्ट्रोड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल प्लेन इन मेकिंग हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड्स। अगला जो हमारे पास वेल्डिंग है उस डिफेक्टिव वेल्डिंग डिफेक्ट, उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है, मटेरियल स्विंग कह जाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट से। ये क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर जो हमारी हीटिंग हो रही है वो अनइवन है, या फिर हमने जो वेल्डिंग की है वो उसका सीक्वेंस इम्प्रॉपर है, या फिर अगर जो हमारा जो मटेरियल हम स्विंग कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो श्रिंक कर जा रहे हैं, तो इस केस में अगर इसको अवॉइड करना, डिस्टॉर्शन को अवॉइड करना, तो हमें क्या क्या करना होगा। इसके लिए हमें जो हमारे पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली, जो वेल्डिंग की वेल्डिंग हम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली क्लैंप करना होगा। फॉर्म पार्ट्स बिफोर वेल्डिंग,
जो कुछ हमारे रोलिंग और फॉर्मिंग के स्ट्रेंथ होती हैं तो उनको हमें डिस्पोज करना होगा पहले ही, बिकॉज अगर वो स्ट्रेंथ पहले डिस्पोज नहीं होगी तो आगे जाके वो इशू डिस्टॉर्शन डिफेक्ट्स को एक्साइट करेंगी, इम्प्रूव करेंगी या फिर उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस देंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूट वेल्डिंग टू प्रिवेंट अनइवन हीटिंग। जो हमारी वेल्डिंग हो रही है उसको पूरे प्रोसेस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अनइवन हीटिंग की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो ना क्रिएट हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर को जिसको हमें वेल्डिंग करना है उसको एग्जामिन करके एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमें वेल्डिंग करनी चाहिए। आप डिस्टॉर्शन को देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा बट जॉइंट दिखा गया है, आप देख सकते हैं हमने ये वेल्डिंग की थी, ये फिर ये क्या हुआ, श्रिंक कर गया, श्रिंक कर गया तो वो इग्नाइट रह गया, ट्रांसवर्स श्रिंकेज हो गया, तो या फिर से एक ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। ये दूसरी हमारे एंगुलर डिस्टॉर्शन, पहले हमारे हमारी वेल्डिंग हमने इसमें की थी लेकिन वो एक एंगल पे टिल्ड कर गए, ये लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज है। हमने जब वेल्डिंग की थी तो चीजें कुछ इस टाइप से थी, लेकिन अब ये श्रिंक कर गए, आप देख सकते हैं। अब ये श्रिंक कर गए हैं, कैसे श्रिंक कर गए देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली। और अगर हम फिलेट जॉइंट की बात करें ये हमारा नेचुरल एक्सिस के पैरेलल था, लेकिन ये चीज क्या हो गई, ये एंगुलर हो। जब हमने वेल्ड किया तो कुछ इस टाइप से किया था सीधे, लेकिन ये कैसे, ये एक एंगल पे वो टर्न हो गया। यहाँ भी हमने अगर वेल्डिंग किया तो देखो सीधे किया था, लेकिन ये एंगल पे क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अभी हमने कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया है, और भी बहुत सारे हमारे पास वेल्डिंग के डिफेक्ट्स बचे हुए हैं, उनको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, इनके बारे में और भी जगह से, जैसे मैंने तो अभी आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप भी अपने स्तर पर कुछ स्टडी करिए कि और क्या क्या कारण हैं और क्या क्या रीजन्स हैं इनके। बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आप अपने लेवल पे चीज़ों को थोड़ा सा और स्टडी करिए, बिकॉज जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप चाहोगे तो आप अपने नॉलेज के बेसिस पे इन चीज़ों को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो मेन चीज ये है कि आप कितना वर्क करते हो, कितना हार्ड वर्किंग हो, वो उस पर डिपेंड करेगा, फाइनल मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप नोट्स इसके बनाते रहें, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहें,
बेटर होगा कि आप नोट मुझे भी सेंड करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनकी मतलब प्रॉपर वे में जितना चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खुद से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, कुछ और जगह से चीज़ों को लीजिए। बाकी आपको कुछ NPTELs के लेक्चर वगैरह चाहिए होंगे तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको उसकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने टॉपिक हैं हमने डिस्कस किए हैं उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको NPTEL के लेक्चर्स की डिटेल भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कृपया करके इसके नोट्स ज़रूर बनाएं जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर ले रहे हैं, और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें असाइनमेंट वगैरह सबमिट करें, क्योंकि वेल्डिंग के साथ साथ वेल्डिंग डिफेक्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।